क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। तो पहला इंसुलेटर है, द मटेरियल विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम आर एंड अनएबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। जिन्हों को वो एलीमेंट्स जिन्हों को बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन तो प्रोटोन आपस के बाउंडेड ने, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो उन्होंने असं इंसुलेटर कह सकते क्योंकि इन्हें चो इलैक्ट्रिकसिटी पास नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल प्योर वाटर, ड्राई वुड, ड्राई एयर, रबड़, माइका, प्लास्टिक, ग्लास एटसैक्ट्रा आर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर भी अगर दो कैटेगरी आ गए। इंसुलेटर बिहेव इन टू वेज, दो तरीके बिहेव कर दे। इट मे नॉट कंडक्ट इलैक्ट्रिकसिटी थ्रू इट एंड इज कॉल्ड इंसुलेटर। जेडे तो इलैक्ट्रिकसिटी नहीं कंडक्ट करते वो तो हो गया इंसुलेटर, एक तो यह बिहेवियर हो गया। दूसरा इट मे नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिकसिटी थ्रू इट बट ऑन अपलाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस चार्जेस आर प्रोड्यूस ऑन इट्स फेसिस। जो इलेक्ट्रिकसिटी प्रोड्यूस उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास कराने इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने इर्द गिर्द इदा लगा दें। मान लो आ कंडक्टर है, कंडक्टर नहीं इंसुलेटर है, ये इर्द गिर्द अपना इलैक्ट्रिक फील्ड लगा दिता, तो ये जिहड़े चार्जिज हैगे ने वह नैगेटिव वाले इधर आ जाने, इलैक्ट्रॉन इधर आ जाने, जिहड़े जिहदे च प्रोटोन हैगे ने न्यूकलियस थोड़े जिहे इधर चल जाने ने। प्रोटोन न्यूकलियस दे विच कहिण दा मतलब पॉजिटिव चार्ज इस साइड ते चल जाणगे नैगेटिव वाली साइड ते। सच एन इंसुलेटर इज कॉल्ड डायलैक्ट्रिक्स। उन्हां इंसुलेटरस नूं की कह दिंदे आ, डायलैक्ट्रिक्स। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ, वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू देयर न्यूक्लियस एंड कैन नॉट डिटैच देमसेल्व्स। इहड़े जिहड़े वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, यह टाइटली बाउंड है, एक इदा खिचा तो इन्हां च प्रोड्यूस हो सकता जिदा नैगेटिव तो पॉजिटिव आ, इन्हां दे विच आपस दे विच थोड़ा खिच के इन्हां च डाइपोल क्रिएट हो जाती है, लेकिन एक दूसरे नालों टुटते नहीं। नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स, लो पहले देखिए हुण डायलैक्ट्रिक्स नूं आपां दो कैटेगरी च वंडता, एक नॉन पोलर आ डायलैक्ट्रिक, नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक आ डायलैक्ट्रिक इन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव एंड नैगेटिव चार्ज कंसाइड। वो है डायलैक्ट्रिक्स जिन्हां दा पॉजिटिव अंदर न्यूकलियस हुंदा, इस च पॉजिटिव चार्ज हुंदे, प्रोटोनस हुंदे ने, इलैक्ट्रॉन साइड ते ने, इन्हां दे विच आपस दे विच बैलेंस हुंदा है, कहिण दा मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों की कंसाइड करती है, इन्हां च डाइपोल नहीं होएगी। डाइपोल मूवमेंट ऑफ सच एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज जीरो। डाइपोल मूवमेंट कितनी होगी, जीरो। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अगे आ पोलर डायलैक्ट्रिक्स, अ डायलैक्ट्रिक इन द एटम्स और मॉलिक्यूल विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नैगेटिव चार्जिज डू नॉट कंसाइड। जिन्हों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी नैगेटिव ते पॉजिटिव चार्ज की कंसाइड नहीं करती। मान लो जो प्रोटोन है, पॉजिटिव चार्ज इत्थे आ, इलैक्ट्रॉन साइड ते ने, अलग ने थोड़े थोड़ा, इन्हों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के फर्क है, तो इन्होंने फिर डाइपोल क्रिएट होएगा, डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाएगी। कितना के मॉलिक्यूल्स ने, HCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा आर पोलर मॉलिक्यूल्स एंड पोजेसिस परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, इन्हें डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। अगे पोलराइजेशन, द स्ट्रैचिंग ऑफ डायलैक्ट्रिक एटम ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस इन द एटम्स अंडर द एक्शन ऑफ अपलाइड इलैक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। जेडे डायलैक्ट्रिक एटम्स है उन्होंने जो उन्होंने इर्द गिर्द जो इदा इलैक्ट्रिक फील्ड इदा अपलाई कर दिता, ए मॉलिक्यूल्स आ पिया एटम, उन्हें जो कि पॉजिटिव चार्ज थोड़ा डिस्प्लेस हो जाना, नैगेटिव चार्ज ना दोनों आपस दे विच की है डिस्प्लेस हो जाएंगे। जे इलैक्ट्रिक फील्ड की इधर डायरेक्शन है तो पॉजिटिव इधर है, नैगेटिव इधर है, तो मतलब जो पॉजिटिव है न्यूकलीयस थोड़ा जहां इधर डिस्प्लेस हो जाना, क्योंकि प्रोटोन न्यूकलीयस में होते हैं ना, इधर डिस्प्ले जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने इधर डिस्प्लेस हो जाना है, इन पोलराइजेशन कहने। नैक्सट आ पोलराइजेशन ऑफ डायलैक्ट्रिक स्लैब, लो डायलैक्ट्रिक स्लैब ले लिए।
डायलैक्टिक स्लैब इन्हों दो पैरल प्लेट्स के आप रख दिता, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नैगेटिव चार्ज, जब मतलब फील्ड क्रिएट हो गया, फील्ड की डायरेक्शन कि है इस डायरेक्शन पॉजिटिव टू नैगेटिव है। तो प्लेटा की यदि प्लस सर्फिस चार्ज डेंसिटी यदि माइनस, लो नाल पढ़ भी लें, कंसिडर अ पैरल प्लेट कपैसिटर, है पैरल प्लेट कपैसिटर, सपोज दैट कपैसिटर इज चार्ज विद बैटरी सो दैट फील्ड स्ट्रेंथ इज ई नोट, जी यदि पैरल जो फील्ड है कि स्ट्रेंथ हैगी ई नोट मान ली आप, इज सैट अप बिटवीन प्लेट्स सिगमा एंड सिगमा माइनस सिगमा आर सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ टू प्लेट्स, यदि प्लस सिगमा यदि माइनस सिगमा। इलैक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, इलैक्ट्रिक फील्ड कि चार्ज बटा एपसलन नोट आप ही है, तो सिगमा चार्ज डेंसिटी बटा एपसलन नोट। हुण जे इधर फील्ड बने है, हुण जिहड़े च डायलैक्टिक स्लैब पाई है उहदे विच जिहड़े डाइपोल मूवमेंट आ हर एक एटम्स की इदा क्रिएट हो जानी है। हुण आ की है, नैगेटिव ने अपने आप नूं इधर इहदे च स्ट्रैचिंग प्रोड्यूस होनी है, किस तरह, जिस तरह आ एक एटम लै लईए जिहदे इहदे ते इलैक्ट्रिक फील्ड अपलाई कीता ना, इहदा पॉजिटिव टर्मीनल इधर थोड़ा खिंचा जाणा, जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज इधर खिंचा जाणा ते नैगेटिव इधर, क्योंकि आ पॉजिटिव है ना इधर, ये ना डायपोल क्रिएट हो जाएगी, डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो जानी। इदा सारे जिन्हें एटम्स ने उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लेना इस डायरेक्शन के, नैगेटिव पॉजिटिव नैगेटिव पॉजिटिव नैगेटिव पॉजिटिव, इदा सारे ने एडजस्ट कर लेना, पॉजिटिव इधर है नैगेटिव इधर है, तो इस ये फिर की होना, अंदर भी एक इलैक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाना ड्यू टू दीस डायपोल्स, ओनू आप ई पी रख लें। यह उल्ट दिशा के इधर है, फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करके है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करके फील्ड अधिक होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायलैक्ट्रिक को कितना आ जाना, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, ई पी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द डायलैक्ट्रिक, जेड़ा ई पी इलेक्ट्रिक फील्ड है वह अंदर आले जेड़े डायलैक्ट्रिक दे विच जेड़ी डायपोल मूवमेंट क्रिएट हुई है ना, डायपोल क्रिएट होया ओदे करके बनिया है, नेगेटिव चार्ज इधर हो गए पॉजिटिव इधर हो गए, उहदे नाल भी इलैक्ट्रिक फील्ड बनिया जिहड़ा बाहर वाले फील्ड के ओपोजिट है, देयरफॉर ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। नैक्सट डेफिनेशन है डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट, द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अपलाइड इलैक्ट्रिक फील्ड टू द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लेसिंग डायलैक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट। तो इन दोबारा देखिए, आ पैरल प्लेट कपैसिटर है पॉजिटिव ते नैगेटिव, और ए जी स्ट्रेंथ ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड है वह है ई नॉट, जो डायलैक्ट्रिक रख दिता ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਉਹ ਘਟੇਗੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੋ ਬੀਚ ਮੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਈ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਈ ਨੋਟ ਬਟਾ ਈ, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕੇ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਗਰ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੀਚ ਮੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਤੇ ਤੋ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕੀ ਜੋ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਫੀਲਡ ਕੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਪੋਲੇਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ, द इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट डिवेल्प पर यूनिट वॉल्यूम इन अ डायलैक्ट्रिक स्लैब ऑन प्लेसिंग इन साइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। जिस तरह डायलैक्ट्रिक है ये जी डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जिनी बनी दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। इफ पी इज इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट एक्वायर्ड बाय एन एटम ऑफ डायलैक्ट्रिक एंड एन इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो फिर जी पोलराइजेशन डेंसिटी पी इक्वल टू कितनी बन गई एन इंटू पी, पी इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है एन इज द नंबर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट डेफिनेशन इलेक्ट्रिक सुसेप्टेबिलिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ एन डायलैक्ट्रिक स्लैब इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह आ डायलैक्ट्रिक है इन्हू इलैक्ट्रिक फील्ड के जो रखिया तो इलैक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटनी है, तो जी पोलराइजेशन डेंसिटी है वह जी रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड है वह प्रपोर्शनल होनी है, तो प्रपोर्शनैलिटी का जो साइन हटाने तो पी इक्वल टू लिखना है जी एप्सलन नॉट ई, द कॉन्सटेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी जी इज कॉल्ड इलैक्ट्रिक सुसैप्टेबिलिटी, इन्हों की कहते हैं इलैक्ट्रिक सुसैप्टेबिलिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन है डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ,
इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाई टू द डायलैक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, एज द यूनिट ऑफ वोल्ट पर मीटर। लो इन समझ लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायलैक्टिक रख दिता बिच हूँ ए जड़े एटम्स ने पहला एक एटम मान लें मान लो मेरे को एटम है बिच ए पिया हूँ ए नैगेटिव पॉजिटिव डाइपोल मूवमेंट हैगी है डाइपोल है ज्यो ही इलेक्ट्रिक फील्ड एदा रखे नैगेटिव पॉजिटिव इन्हें स्ट्रैच कर देना खिंचा जाना तो इदा ए डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाएगी हूँ इन्हों एक हद तक ही खिंच सकते हैं एक स्टेज इदा द आनी जो फील्ड वधाई जाइए तो इन्हें ब्रेक हो जाना जेडे इलेक्ट्रॉन वक्रे हो जाने प्रोटोना नालों इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाने फिर इन्हें कंडक्टर बन जाना यही गल कहना विदाउट ओनू कहने इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अपां उत्थों तक ही जाना जिथे तक इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं हुंदी इट इज डिफाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओना इलेक्ट्रिक फील्ड अपां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम दे सकते हैं टू द डायलैक्टिक इस डायलैक्टिक जिद नाल इलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना होवे उन्हों की कह दें डायलैक्टिक स्ट्रेंथ हो इस डायलैक्टिक की स्ट्रेंथ है।